हेलो दोस्तों, INC24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर हमारी न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करें। सोमवार से बागली में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने पीएम बीमा क्लेम नहीं मिलने पर भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया। किसानों ने कहा कि हलका नंबर 19 में पोलाए, बावनखेड़ी, बड़ी शिवपुरी व हलका नंबर 29 के लाली पिपलिया के किसानों का बीमा क्लेम नहीं दिया गया और कुछ की राशि बहुत कम है, जो कि उनके साथ सरासर अन्याय है। किसानों ने कहा कि जब तक क्लेम के पैसे उनके खाते में नहीं आ जाएंगे, वे धरना जारी रखेंगे। सोमवार को खासी संख्या में बैंक के समक्ष एकत्रित हुए किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और सरकार, प्रशासन, बीमा कंपनी व बैंक खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि बैंक अधिकारियों ने किसानों को मनाने का प्रयास किया, परंतु किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और उनका कहना है कि जब तक हमारा क्लेम नहीं मिल जाता, तब तक धरना करेंगे। किसानों ने आंदोलन कराया और हमने अपने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड से बात करी है। 25/7/2019 तक इन सबका बीमा मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। मतलब 25/7/2019 तक इन सब लोगों का बीमा मिल जाएगा। किसान क्या मान रहे हैं? ये अभी बोल रहे हैं कि हम उसके अभी जो 2 साल तक ये नहीं मिला है उसका ब्याज की बात करिए तो मैं बात करता हूँ ऊपर मुझे बता दूँ। यानी कि सर परफेक्ट तिथि क्या रहेगी जो किसानों को जो उनकी बीमा राशि मिल जाएगी? 25 मतलब ये है कि 25 तारीख तक बैंक तक बैंक में आ जाएगा, 25 जुलाई तक और 30 तारीख तक बैंक सबके खाते में क्रेडिट कर देंगे। बीमा राशि पूरी मिल बीमा राशि।